तो फ्रेंड्स मैं इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यूज़ करूँगा, सबसे पहले कोडिंग करने के लिए मैं करूँगा नेटबीन्स आईडी, और उसके बाद हम लोग सीएसएस में यूज़ करेंगे मटेरियल सीएसएस। तो मैं यहाँ इस वेबसाइट का रेफरेंस लूँगा, और उसके बाद एक मैं यूज़ करूँगा जेक्वेरी। तो ये तीन चीज़ हम लोग बेसिकली यूज़ करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है नेटबीन्स आईडी, और हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बना के रखा है, रजिस्टर का प्रोजेक्ट है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नई फाइल बना लेंगे। सबसे पहले जेएसपी फाइल बनाएंगे फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए, और हम लोग इस वीडियो में फ्रंट एंड ही डिज़ाइन करेंगे। तो हम वेब पेजेस पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पेज आएंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे जेएसपी पेज, और हम क्लिक कर देंगे। आप ये हमसे नाम पूछेगा, तो हम नाम दे देंगे रेज, या आप साइन अप दे सकते हो, हम नाम दे देंगे साइन अप, और हम लोग फिनिश कर देंगे। तो हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूँगा कि ये पेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन अप लिख के और फिर अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूँगा। तो मैं रजिस्टर पे राइट क्लिक करूँगा और रन कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, और हम पेज को रन करने के लिए अपने प्रोजेक्ट का जो लिंक है उसके आगे मैं टाइप करूँगा अपने पेज का नाम signup.jsp और एंटर करूँगा। तो देखिए हमारा पेज यहाँ पे रन हो गया, और हमारा मैसेज आ रहा साइनअप, ये मैंने उसी पेज में मैसेज दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेज पे पूरा वो फॉर्म डिज़ाइन करेंगे इस वीडियो में, और हम लोग फॉर्म को सबमिट भी करेंगे। बस बैकएंड का काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा मटेरियल सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन पे। ये वेबसाइट है, आप लोग इस वेबसाइट को ओपन करके यहाँ से चीज़ें देख सकते हो सारी चीज़ें। मैं इसी का रेफरेंस यूज़ करूँगा। तो मैंने ओपन किया materialize.css.com, और सबसे पहले मैं चलूँगा गेटिंग स्टार्टेड, ये बटन है, इस पर क्लिक करूँगा, और नीचे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे CDN दिखेगा। मैं CDN की दोनों लिंक को कॉपी कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा कॉपी, और मैं अपना नेटबीन्स प्रोजेक्ट ओपन करूँगा, और जो मैंने कॉपी किया उसको सिंपली हेड सेक्शन में आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब हमारे इस प्रोजेक्ट में, इस पेज के लिए क्या हुआ कि मटेरियल सीएसएस की लाइब्रेरी ऐड हो गई है, और अगर हम अपने प्रोजेक्ट पे यहाँ पे अपने पेज पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो इस हेडिंग साइनअप का जो फॉन्ट है देखिएगा चेंज हो जाएगा। देखिए साइनअप का फॉन्ट चेंज हो गया, इसका मतलब हमारा मटेरियल सीएसएस की लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, पेज को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आएंगे बॉडी सेक्शन के अंदर, और इस हेडिंग को मैं हटा दूंगा सबसे पहले, और मैं एक कंटेनर बनाऊंगा, कंटेनर। ये कंटेनर एक्चुअली काम क्या करेगा, ये हमारे पूरे पेज में से, दैट मीन्स ये हमारा पेज है यहाँ से यहाँ तक, और स्पेस से ये 15% इधर छोड़ देगा लेफ्ट और 15% राइट, और कंटेंट को बीच में ले आएगा। आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो, आप सीएसएस में जाके यहाँ पे ग्रिड्स में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कंटेनर क्या है। जैसे यहाँ देखिए ये इनका कंटेंट है, और अभी ये कंटेनर इन्होंने अप्लाई किया, अगर ये टर्न ऑफ कर देते कंटेनर तो इनका जो कंटेंट है वो पूरी स्क्रीन पे चला जा रहा है, बट यहाँ पे अगर ये कंटेनर को टर्न ऑन करते हैं तो देखिए कंटेनर ये क्या कर रहा है, इधर से थोड़ा सा छोड़ दे रहा है लेफ्ट से, और थोड़ा सा राइट से छोड़ दे रहा है। तो मैं भी यही काम करने जा रहा हूँ, मैं भी अपने फॉर्म जब डिज़ाइन करूँगा उसमें लेफ्ट से थोड़ा सा छोड़ूंगा और राइट से थोड़ा सा छोड़ूंगा, इसीलिए मैंने चीज़ों को कंटेनर के बीच में रखा है। और आप यहाँ पे सीख भी सकते हो, यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा भी है, द कंटेनर क्लास इज सेट टू 70% ऑफ विंडो विड्थ एट सेंटर, मतलब सेंटर में जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक रो बनाएंगे, तो सिंपली आप डिप लगाइए, क्लास रो आपकी रो बन गई है। रो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सिंपली रो है, और एक रो में 12 ग्रिड्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आवर स्टैंडर्ड ग्रिड हैज 12 कॉलम, ये देखिए। और मैं बेसिकली क्या करूँगा, हम लोग इसमें से 6 ग्रिड्स यूज़ करेंगे, तो 6 ग्रिड्स यूज़ करने के लिए मैं लिखूँगा डिप और कॉल लगाऊंगा, और मुझे 6 ग्रिड यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मीडियम 6, बेसिकली मैं मीडियम स्क्रीन एंड अपर स्क्रीन पे 6 ग्रिड यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा है 6 कॉल M6। अब देखिए यहाँ पे M6 का मतलब होता है कि मीडियम एंड अपर, लार्ज स्क्रीन, मीडियम एंड लार्ज स्क्रीन पे 6 कॉलम, मतलब यहाँ से लेके इतनी डिस्टेंस, और हमारा ध्यान से देखिए 6 ग्रिड इधर की बची रहेंगी इस साइड। तो अभी हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं ये सारी चीज़ देखेंगे। इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक कार्ड, तो मैं लिखूंगा डिप क्लास कार्ड, तो हमारा एक कार्ड बन जाएगा, और कार्ड के अंदर एक और टैग लगाऊंगा और क्लास लगाऊंगा कार्ड कॉन्टेंट, और हम इसके अंदर हेडिंग देंगे अपनी। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा H3 और लगाऊंगा रजिस्टर हेयर, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक हेडिंग दी है।
अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अभी तक कहाँ पे बन चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ तक 70% हमारे कंटेनर के विड्थ है, और 6 का मतलब होता है कि आधा मैंने 6 ग्रिड ली है, 6 ग्रिड छोड़ दी। और कार्ड का मतलब ये देखिए, जो कार्ड का उभरा हुआ पोर्शन दिख रहा है, कार्ड की हेल्प से दिख रहा है, और इसके अंदर हमारा ये चीज़ है जो कि H3 है। अब हम इसी कार्ड कंटेंट के अंदर, और कार्ड कंटेंट बेसिकली मैंने यहाँ से ये मार्जिन जो आ रहा है इसकी है, इसको लेने के लिए लगाया था। तो कार्ड कंटेंट की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पैडिंग आ गया चारों तरफ से। अब हम इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे, तो फॉर्म बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले काम करते हैं, इसको सेंटर पे चलते हैं। तो जो मैंने 6 ग्रिड यहाँ पे यूज़ की थी, 6 ग्रिड और 6 ग्रिड छोड़ दिया था, तो टोटल 12 ग्रिड है, और 6 ग्रिड हमने यूज़ किया, तो 3 ग्रिड में इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 3 इधर छूट जाएगी और 3 इधर छूट जाएगी। तो शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यूज़ करूंगा ऑफसेट, ऑफसेट डैश, और मुझे सिर्फ 3 ग्रिड छोड़नी है, M3। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देख पाएंगे कि यहां पे सेंटर पे हो गया। तो बेसिकली ये जो कार्ड है हमारा, ये 6 ग्रिड यूज़ कर रहा है और 3 ग्रिड इधर से छोड़ दे रहा है, 3 ग्रिड इधर से छोड़ रहा है, और टोटल 12 ग्रिड हो जा रही। तो हमारा सेंटर पे लाने का तो मकसद सॉल्व हो गया, यहाँ पे सेंटर पे आ गया, हमारा फॉर्म सेंटर पे देखेगा। अब लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं अपनी फील्ड्स। तो फ्रेंड्स, फील्ड्स का अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन लेना है तो यहाँ पे देखना है, तो आप जाएंगे यहाँ पे फॉर्म पे, और फॉर्म पे यहाँ पे एक ऑप्शन है इनपुट टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट्स का, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको कैसी फील्ड बनानी है यहाँ पे आप देख सकते हो। सब इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पे स्पेसिफाई किया है, क्या आपको यहाँ पे ये आइकन वगैरह भी लेने हैं या आइकन नहीं लेने हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और यहाँ से बहुत अच्छा सा फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो इनकी डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से। और ट्रस्ट मानिए, जो मटेरियल सीएसएस की वेबसाइट है, इससे आप बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट खुद से डिज़ाइन कर सकते हो। कुछ टेम्पलेट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, कुछ आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे काम करने के लिए। तो अगर आपको यहाँ से फॉर्म यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसको कॉपी करिएगा और फॉर्म को सिंपली वहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने नीचे मैं क्या करूँगा, दो डिवीज़न और लगा दूंगा, डिव क्लास लगाऊंगा। एक तो मेरा फॉर्म होगा, इसके अंदर मैं पूरा फॉर्म बनाऊंगा, और एक यूज़ करूंगा मैं लोडर के लिए, क्लास लोडर। तो इसके अंदर मैं लोडर रखूंगा, तो ये जो फॉर्म है इसके अंदर फॉर्म रखूंगा, इसके अंदर लोडर रखूंगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्म को क्रिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ क्रिएटिंग फॉर्म, और कमेंट लगाने के लिए आप Ctrl/Forward/ दबाएंगे, और फॉर्म लगाने के लिए मैं यूज़ करूंगा फॉर्म टैग, और एक्शन दे दूंगा एक्शन एक्शन रजिस्टर। ये रजिस्टर बेसिकली एक सर्वलेट होगा, और मेथड में दे दूंगा पोस्ट सिंपली, और फॉर्म टैग को बंद कर दूंगा। उसके बाद एक सिंगल फील्ड बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम मैं लूँगा यूज़र अंडरस्कोर नेम, और फिर मैं पासवर्ड या, और फिर मैं प्लेस होल्डर लूँगा यहाँ पे एंटर यूज़र नेम इसके लिए। तो हमारी एक फील्ड रेडी हो जाएगी। अगर आप सेव करके आइए, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंगल फील्ड रेडी हुई जिसमें लिखा हुआ एंटर यूजर नेम। तो यहाँ पे देखिए कितनी बेस्ट तरीके से फील्ड रेडी हो गई, हमें कुछ करना नहीं हुआ, ये बेसिकली किया है मटेरियल सीएसएस ने। अगर आप मटेरियल सीएसएस नहीं यूज़ कर रहे होते तो आपको काफ़ी स्टाइलिंग लिखनी पड़ती इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो मैं दो फील्ड और बना देता हूँ, एक पासवर्ड के लिए और एक ईमेल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो आप इस पर कर्सर लगेगा Ctrl+Shift+Down की दबाइएगा, और यहाँ टाइप में आप कर दीजिएगा पासवर्ड, और यूज़र नेम में User_Password, और यूज़र नेम की जगह यहाँ आप यूज़र पासवर्ड कर दीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे एक और फील्ड बन जाएगी, और इसमें पासवर्ड आ जाएगा, इसमें नेम आ जाएगा। उसके बाद एक ईमेल की फील्ड भी ले लेते हैं, तो एक और हम नीचे लाएंगे, और यहाँ पे हम इनपुट टाइप ईमेल ले लेंगे, और यहाँ पे हम User_Email यूज़ कर लेंगे, और एंटर योर या एंटर यूज़र ईमेल सिंपली। तो हमारी तीनों फील्ड रेडी हो गई। आपको और भी फील्ड लेनी है, चेकबॉक्स लेना है, क्या लेना है आप यहाँ से देख करके यूज़ कर दीजिए। चेकबॉक्स वगैरह या पिकर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं दिखा दूँ यहाँ पे, आप ऐसे पिकर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे एक बटन बनाने वाले हैं, सबमिट या रजिस्टर की बटन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम बटन टैग और टाइप लिखेंगे सबमिट, जिससे कि फॉर्म को सबमिट कर पाएगी, और क्लास में लगाऊंगा BTN, और हम लोग क्या करेंगे इस टैग को बंद कर देंगे, और फिर हमको इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना होगा लिख दूंगा। तो मैं लिख दूंगा सबमिट, और सेव करेंगे, और हम लोग रिफ्रेश करेंगे पेज को। तो यहाँ पे देखेंगे सबमिट बटन है, इसको बस सेंटर पे करना है। तो सेंटर पे करने के लिए कुछ मत करिए यहाँ पे, आप क्या करिए कि फॉर्म पे एक बार आप ट्राई करिए सेंटर अलाइन, और आप आके इसको रिफ्रेश करिए,
देखिए आपकी यहाँ पे जो बटन है वो सेंटर पे जा चुकी है। थोड़ा सा मार्जिन देना है तो बटन पे मार्जिन दे सकते हैं, आप बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज आपको रेड रखना है तो आप यहाँ पे क्लास में आइए और क्लास में बटन के आगे रेड लगा दीजिए, रेड, तो बैकग्राउंड रेड कर देगा। अब रेड ये क्लास जो मैंने यूज़ किया, ये मैंने क्लास यहाँ से देख के यूज़ किया। आप सी एस एस में जाएंगे और कलर्स पे जाएंगे तो आपको देखिए बहुत सारी क्लास यहाँ पे कलर्स क्लासेस दी गई हैं, आपको जो भी क्लास यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हो। तो लेट सपोज हमें ब्लू कलर का इधर थोड़ा सा एक्सेंट यूज़ करना है तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा सिंपली और यहाँ पे रेड के जगह पे इसको पेस्ट कर दूंगा। और अगर मैं अपने कोड को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारी उसी कलर की बटन हो गई। तो मेरा फॉर्म रेडी है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बैकग्राउंड सेट करने वाला हूँ अपने इस पूरे बॉडी का, इस पेज का बैकग्राउंड। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ फ़ोटोज़ रखी हैं, मैं इन्हीं फ़ोटोज़ का यूज़ करूँगा बैकग्राउंड को सेट करने के लिए। तो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, आप कोई भी इसमें से कोई सा भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज हम लोग अपना पूरा दो बैकग्राउंड हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, जो हम लोग को अच्छा लगेगा वही हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक पिक्सल फोटोज़ करके मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और नेटबीन्स में आऊँगा प्रोजेक्ट में और अपने वेब पेजेस पे राइट क्लिक करूँगा न्यू और एक फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम होगा इमेज IMG, फिनिश कर दूँगा। तो इमेज फोल्डर में अब हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को पेस्ट कर देंगे। इससे होगा क्या कि हमारे इमेज वाले फोल्डर में हमारी इमेज आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग इमेज को देख भी सकेंगे। अब हम लोग उस इमेज को यूज़ करेंगे तो हम लोग बॉडी टैग में आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल, और स्टाइल में सबसे पहला एट्रीब्यूट लिखेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में हम वैल्यू यूज़ करेंगे URL, और URL के अंदर हम लोग अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे इमेज और इमेज के अंदर पिक्सल फोटोज़। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग को एक दो एट्रीब्यूट और भी यूज़ करेंगे इस बैकग्राउंड को थोड़ा अच्छा करने के लिए। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड साइज़ को क्या करता हूँ, कवर, तो बैकग्राउंड साइज़ वाला एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू कवर कर देंगे जिससे कि हमारा पूरे बैकग्राउंड में पूरी इमेज दिखे। और हम बैकग्राउंड को फिक्स भी कर देंगे, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, जिससे कि हमारा बैकग्राउंड फिक्स रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, आते हैं अपने पेज पे और रिफ्रेश करते हैं तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे परफेक्ट सा बैकग्राउंड यूज़ कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पे बैकग्राउंड फिक्स है जो कि हिलेगा भी नहीं, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तब भी नहीं लेगा। अब हम लोग, अगर आपको ऐसे ही लग रहा है अच्छा तो आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज मैं इसको राउंडेड भी कर सकता हूँ। कार्ड के बॉर्डर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम लोग इसको राउंडेड करने के लिए, बस ऐसे ही परफेक्ट लगे। एक फ़ोटो हम लोग और ट्राई मारने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो और है तो मैं एक इस फ़ोटो को यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम कॉपी करेंगे, आएंगे अपने नेटबीन्स में और हम लोग अपने प्रोजेक्ट के इमेजेस वाले फोल्डर में सेव कर देंगे। पिक्सल फोटोज़ करके ये भी इमेज है तो हम लोग यहाँ पे इसको हटाने के बाद कंट्रोल उस फोटो का नाम लिख देंगे और फिर से हम लोग आएंगे और रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी फ़ोटो आपकी परफेक्ट लग रही है, तो आप चाहे ये वाला बैकग्राउंड यूज़ कर लीजिए, कोई भी दूसरा बैकग्राउंड यूज़ कर लीजिए, आपकी चॉइस है। आप इंटरनेट पे जाके दूसरे फ़ोटोज़ को भी डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे देखिए H1 के ऊपर हल्का सा मार्जिन है, तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस मार्जिन को हटा भी सकते हैं। तो हम लोग फिर से आते हैं अपने कोड में और हम लोग H1 यहाँ पे हम लगा देंगे स्टाइल और मार्जिन टॉप मैं यूज़ करूँगा, मार्जिन टॉप, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे 10 पिक्सल, और इसको सेंटर पे करने के लिए इसमें हम एक क्लास लगा देंगे सेंटर अलाइन वाली क्लास। और हम आके अपने पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ से मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ और ये टेक्स्ट सेंटर पे आ गया, तो हमारा फॉर्म परफेक्टली बन गया। अब थोड़ा सा और भी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करते हैं अपने सर्वलेट पे, अभी सारा काम नहीं करेंगे बट टेस्ट कर लेंगे कि फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और हम लोग का इसमें अभी लोडर भी नहीं लगा, तो लोडर भी चलिए लगा देते हैं। तो लोडर लगाने के लिए आप चलेंगे मटेरियल सीएस की वेबसाइट पे और यहाँ पे सर्च करेंगे प्री लोडर सर्च कर लेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारे लोडर अवेलेबल हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपना एक लोडर कॉपी करूँगा, तो मैं ब्लू कलर का यूज़ कर सकता हूँ, मैं ब्लू कलर का यूज़ कर लूँगा, या आप नीचे आके और भी देख सकते हैं। जैसे आपको ये यूज़ करना है तो इसको कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा आइकन छोटा रखना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और चलेंगे। और देखिए हम लोगों ने एक टैग बनाया था, फॉर्म टैग, जिसके अंदर अपना फॉर्म बनाया था, एक टैग बनाया था लोडर, जिसके अंदर लोडर बनाना था, तो अपना लोडर इसी के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। और हम आएंगे एक बार रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, देखेंगे क्या लोडर दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे लोडर हमारा दिख रहा है बट थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे और इसको कंट्रोल जेड करेंगे
ठीक है। तो लोडर अभी मैंने गायब कर दिया है क्योंकि मुझे लोडर कम्प्लीटली लाना है। तो हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे कुछ टैग मिसिंग हो गए हैं शायद, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे और अपने इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेंगे कि ये तीनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो अब देख पाएंगे। एक्चुअली वो जो पूरा टैग था वो हमारे इस लोडर का था। तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने सारा HTML यहाँ से कॉपी कर लिया है, देख पाएंगे ये पूरा HTML, और हम लोगों ने अपने लोडर टैग के अंदर रख दिया। अब आपको इन सारे से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ लोडर वाले इस क्लास से मतलब है। अगर इसको हाइड कर देंगे तो सब हाइड हो जाएगा और इसको शो करेंगे तो सब शो होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग इसको पहले सेंटर पे करने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर पे करने के लिए मैं इस पे लगाऊंगा सेंटर अलाइन और हम क्या करेंगे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए हमारा लोडर सेंटर पे आ गया, हल्का सा ऊपर से मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन देने के लिए इसमें कोई यूटिलिटी क्लास नहीं, हम लोग को स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा मार्जिन टॉप और इसमें भी हम 10 पिक्सल का मार्जिन दे देंगे। तो अगर आप रिफ्रेश करो तो यहाँ पे देखिए हल्का सा मार्जिन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं प्लीज़ वेट का भी मैसेज देते हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने लोडर जहाँ ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा H5 जिससे कि हल्का कम बड़ा टेक्स्ट दिखे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लीज़ वेट और हम क्या करेंगे इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ गया और ये डॉट डॉट थोड़ा कम कर देते हैं, सिर्फ मैं 3 डॉट यूज़ करूँगा, आपको जितनी मर्जी उतने डॉट्स यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सिंपली प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस वेट को हम लोग हाइड कर देंगे। तो हम अपने लोडर पे चलेंगे लोडर वाले टैग पे और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले क्या कर देंगे नन कर देंगे, डिस्प्ले नन। तो सिंपली बाय डिफॉल्ट ही हाइड रहेगा, बाद में जब हम चाहें तो इसको दिखा सकते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट ही हाइड रहेगा, जब बटन को क्लिक करेंगे तो हम लोग इस लोडर को शो कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअली हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है, अब हम लोग जे क्वेरी की हेल्प से इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग अजैक्स बाद में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जे क्वेरी का प्लगइन हम इस वीडियो में ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारा काम करेंगे। तो हम लोग गूगल पे चलेंगे यहाँ पे और सर्च करेंगे जे क्वेरी CDN और एंटर कर देंगे और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आएगी उसको हम लोग ओपन कर लेंगे और इस पे हम चूज़ करेंगे मैनिफेस्ट वर्जन और ये वाला लिंक हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। बहुत बार होता है कि आप इस पे क्लिक कर देते हो कॉपी हो नहीं हो पाता है, तो आप इसको मैन्युअली क्या करिए इस पूरी लिंक को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपने पेज पे आइए और सबसे नीचे बॉडी टैग के पास जाइए और इस चीज़ को पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप एक स्क्रिप्ट टैग लगाइए क्रॉस चेक करने के लिए कि ये जे क्वेरी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे और हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे document.ready और इसके अंदर मैं फंक्शन कॉल करूँगा। ये हमें बता देगा कि हमारा जो जे क्वेरी है वो लगा कि नहीं लगा। तो हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं console.log और यहाँ पे हम दे देंगे पेज इज रेडी और सिंपली चेक करेंगे कि ये मैसेज दिख रहा है कि नहीं। बेसिकली ये मैसेज मैंने कंसोल पे दिया है तो पेज इज रेडी आपको कंसोल पे दिखेगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने पेज पे और सबसे पहले कंसोल को ओपन कर लेते हैं। तो कंसोल को ओपन करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है अपने कहीं पूरे पेज में, कहीं भी राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए। या आप अगर शॉर्टकट ओपन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आई को क्लिक कर सकते हैं और आपको ओपन करना है इस कंसोल पे क्लिक करना है। तो कंसोल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कंसोल ओपन हो गया। अब हम लोग अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा पेज इज रेडी। इसका मतलब हमारा जो जे क्वेरी का प्लगइन है वो हमारे इसमें ऐड हो गया है, जे क्वेरी हमारे इस पेज में ऐड हो गई। तो हम लोग क्या कर पाएंगे जे क्वेरी को यूज़ कर पाएंगे बाकी काम को करने के लिए, जैसे डॉम मैनिपुलेट करना है, एक हाइड करना है, एक शो करना है, सारा काम। और इवन अजैक्स यूज़ करेंगे हम लोग जे क्वेरी की हेल्प से डेटा को सबमिट करने के लिए। बट ये सारा काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी आप इस वीडियो में फॉर्म को सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग जावा को भी लिखना सीख लेंगे, जावा का कोड भी सीख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।